सालों बाद रहने के बाद वो शादी कर लेते हैं, मोहब्बत के बाद वो शादी करते हैं, क्या वो मोहब्बत होती है या नहीं? आपने कभी नोट किया कि उन शादियों में मसले कितने आते हैं? हर दूसरे दिन लड़ाई हो रही होती है। पहले आप लोग दूर होते हो, ठीक है, एक दूसरे की हर चीज बर्दाश्त कर लेते हो। वही लड़की जब उस लड़के के साथ आई थी तो एकदम से उसको उस लड़के से नफरत होने लग जाती, क्यों? क्योंकि उसके बाद वो चीजें नहीं होती जो वो उसको दे सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान दुआ साजिद और आप देख रहे हैं सबका पाकिस्तान। तो आज का सवाल कुछ इस तरह का है कि लड़कियाँ पैसों पे ज्यादा मरती हैं या फिर मोहब्बत पे? ज्यादातर पैसे पे मरती हैं, इसलिए मरती हैं एंड इट्स देयर राइट बिकॉज दे वांट अ मच मोर पीसफुल लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ, यू नो, एंड आई थिंक दे डिजर्व इट, यू नो, बिकॉज आपका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, आपका निज़ाम इतना अच्छा नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने किसी से तो अपनी ख्वाहिशात बनवानी है ना। आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मोहब्बत भी ज़रूरी होती है पैसे के अलावा? होती है, बट आजकल के एनवायरनमेंट में मोहब्बत कहाँ मिल रही है आपको? सब मतलब ही है जी, ऐसा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मोहब्बत का फैक्टर भी थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है पैसे के साथ साथ? यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट और वक्त के साथ साथ हो भी जाती है कुछ लोगों को, और कभी कभार नहीं भी होती। दैट्स वाई आई थिंक के वी नीड टू नॉर्मलाइज डिवोर्स इन दिस कल्चर एंड विच आई थिंक पर्सनली इज़ अ वेरी बिग इशू ओवर हियर। सो या, दैट्स ऑल आई हैव टू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरीबा। अच्छा, तो अरीबा, मुझे इस सवाल का जवाब दे सकती हैं कि आपको क्या लगता है कि लड़कियां पैसे पे ज़्यादा मरती हैं या फिर मोहब्बत पे? वैसे कुछ मोहब्बत पे, लेकिन मोस्टली यही होती है, पैसा होना चाहिए। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि पैसा होना चाहिए? कुछ वैसे ही उनका अपना माइंड सेट है, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल भी पैसे को प्रेफर नहीं करते। अच्छा, तो आप पैसे को क्यों नहीं प्रेफर करते? क्योंकि आई डोंट थिंक पैसा ऐसी चीज़ है जो आएगा जाएगा, सो इट डजंट मैटर बिल्कुल भी। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। तो आपको क्या लगता है कि मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है मोहब्बत? वैसे मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा तो हर कोई दे सकता है, वो आता जाता रहता है, सो इट डजंट मैटर। अच्छा, तो आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपको कभी मोहब्बत हुई है? हुई थी एक दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सायरा इफ्तखार। अच्छा, तो सायरा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि लड़कियाँ पैसे पे ज़्यादा मरती हैं या फिर मोहब्बत पे? आजकल देखा जाए तो पैसे पे ज़्यादा मरती हैं। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनको शो करवाना होता है कि हमारे पास क्या कुछ है। मतलब क्या, मतलब आपकी कहने का क्या मतलब है कि मतलब पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, मोहब्बत ज़रूरी नहीं है? पैसा ज़रूरत है, लेकिन इतनी भी ज़रूरत नहीं कि आप उसके लिए ख़ुद को बेच डालो। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अगर आपको आपको आप खुद चूज़ करना पड़े पैसा या मोहब्बत, तो आप क्या चीज़ चूज़ करेंगे? डेफिनेटली मोहब्बत। वो क्यों? क्योंकि सबके लिए सेम नहीं होता मोहब्बत और पैसा। मतलब आप पैसे से सब कुछ खरीद तो सकते हो, लेकिन आपको जो सुकून होता है ना, वो कभी पैसे से नहीं मिल सकता। अगर हम ऐसे देखें तो मतलब कितने ज़्यादा अमीर लोग होंगे जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन सुकून नहीं है। तो इंसान को एंड पे ना सुकून की ही ज़रूरत होती है, पैसे की नहीं। जी, आप कह तो ठीक नहीं। तो आप मुझे ये बता सकते हैं आपको कभी मोहब्बत हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? पाशा एहतिशाम। अच्छा, तो पाशा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि लड़कियाँ पैसे पे ज़्यादा मरती हैं या मोहब्बत पे? ये तो ऑफकोर्स ही बात है, सारी दुनिया पैसे पे मरती है तो लड़कियाँ भी पैसे पे मरती होंगी। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि सारी दुनिया पैसे पे मरती है, क्या कोई मोहब्बत पे नहीं मरता? हाँ, मरते होंगे, पर 1 out of 100, कोई 100 में से एक शख्स जिसको सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत हो वो मोहब्बत में मरता है। बेसिकली पैसा इस दुनिया में रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसके बगैर आप ना तो सर्वाइव कर सकते हैं ना कुछ और। तो वो ऑब्वियसली अपनी लाइफस्टाइल को सोचती हैं, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हैं कि अगर पैसा होगा तो उनकी ज़िंदगी में सुकून होगा। अब ये तो अगले इंसान की नेचर पर डिपेंड करता है, पर मोस्टली ऐसा ही होता है कि आवाम पैसे पर मरती है तो लड़कियाँ भी पैसे पर मरती हैं। जी, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है कि पैसे पे मरती हैं, लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता कि पैसे के साथ साथ मोहब्बत भी थोड़ी बहुत ज़रूरी होती है? हाँ, ये तो ऑब्वियस ही बात है, मोहब्बत ज़रूरी होती है, बट फरजुलैन, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि लड़कियाँ पैसे पे ज़्यादा मरती हैं या फिर मोहब्बत पे? पैसे पे या फिर मोहब्बत पे? आई थिंक पैसे पे। पैसे पे, लेकिन क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि पैसे पे मरती हैं लड़कियाँ? पैसे पे इसलिए मरती है कि खूबसूरती अगर ना भी हो, मोहब्बत ना भी हो, तो पैसा हो तो ज़रूरियात पूरी हो जाती शायद इस वजह से। लेकिन क्यों, अगर खूबसूरती ना हो, मोहब्बत ना हो, तो पैसे के साथ गुजारा कैसे हो सकता है?
ज़रूरियात तो पूरी हो जाती है ना। तो आपको ज़रूरियात, आपको लगता है कि ज़रूरियात हमें मोहब्बत से ज़्यादा ज़रूरी हैं, ज़रूरियात पूरी होना? आई थिंक सो। अच्छा, तो आप मुझे ये बता सकते हैं आपको कभी मोहब्बत हुई है? नहीं, कभी भी नहीं हुई। कोई पसंद तो होगा? नहीं, पसंद ऐसे नहीं है, मतलब ये तो होता है कि आपको किसी की आदत हो जाती है, मोहब्बत होना और आदत होना तो फ़र्क होता है ना। तो आपको कैसा, मतलब क्या फ़र्क क्या होता है, आप बता सकती हैं आपके नज़दीक वो फ़र्क क्या होता है? मेरे नज़दीक फ़र्क ये है कि अगर आप टाइम स्पेंड करते हो तो उसकी आदत हो जाती है, और मोहब्बत ऐसी नहीं होती ना। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लिंता। अच्छा, तो लिंता, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि लोग मोहब्बत पे, यानी कि लड़कियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा मोहब्बत पे मरती हैं या फिर पैसे पे मरती हैं? पैसे पे मरती हैं। वो आप कैसे कह सकती हैं इतने यकीन से? मैं आप सेम ले में वो भी लगा दूंगी, लड़कियाँ सिर्फ पैसे में मरती है, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर देखना है, उनको वर्ल्ड टूर करना है, उनको मर्द की उससे कोई फर्क नहीं। कितनी लड़कियाँ तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मार देती हैं यार इस पैसे के पीछे, तो पैसे पे मरती हैं ऑब्वियसली। तो आपको क्या लगता है कि मोहब्बत बिल्कुल ज़रूरी नहीं होती? नहीं, बहुत लड़कियाँ मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया कि जलील हो रही हैं, गालियाँ खा रही, जूते खा रही, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का है, सीए वाला लड़का है, टॉप क्लास का बिजनेस टाइकून है, उसके साथ हैं वो अभी भी स्टिल हैं। तो आपको क्या लगता है कि तमाम लड़कियाँ सब की सब पैसे पे मरती हैं या फिर कुछ मोहब्बत पे भी मरती हैं? आई डोंट थिंक सो कि सब मरती हैं, लेकिन हाँ अगर हम रेशियो निकालें तो 40 out of 60% आपकी ये लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ पैसे में मरती हैं, और कसूर उनका भी नहीं है, उन्होंने मुआशरे में एग्जिस्ट करना है, उन्होंने मुआशरा देखा है, ठीक है, उन्होंने रहना है मुआशरे, उनको पता है कि हमारे शो शाकर चीज़ें होंगी तो हम मुआशरे में एग्जिस्ट कर सकेंगे, वरना हम नहीं एग्जिस्ट कर सकते। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि वो जो 40% औरतें जो आप कहना चाह रही हैं, जो मोहब्बत पर यकीन रखती हैं, आपको उनके बारे में कहना, उनके बारे में क्या कहना है? वो बेचारी ख़राब हो जाती हैं, उनके पेरेंट्स पैसा वाला चाहते हैं लेकिन वो किसी और से करती होती हैं, फिर मजबूरन उनको उसी से करना पड़ता है जैसे पेरेंट्स करते हैं। बहुत मोहब्बतें नाकाम होती देखी है मैंने। तो आपको क्या लगता है कि मोहब्बत कभी मुकम्मल हो सकती है? सच्ची मोहब्बत, पता है वो सच्ची मोहब्बत नहीं जो आपको मिले, आई बिलीव इन दिस, कि अगर वो मोहब्बत सच्ची थी तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो अगर, तो आपको क्या मतलब, आप इस चीज़ के ऊपर यकीन करते हैं जो लोग शादियाँ कर लेते हैं और 6-6, 7-7 साल साथ में रहने के बाद, मोहब्बत करने के बाद वो बाद में शादियाँ कर लेते हैं, वो क्या होती है, क्या वो मोहब्बत होती है या नहीं? मैं आपका क्वेश्चन क्लियर करें, सेकंड मैरिज की बात कर रही हैं आप? नहीं, मैं उन वो बात कर रही हूँ कि जो पहले काफ़ी देर तक एक साथ रहते हैं, उसके बाद फिर काफ़ी सालों बाद रहने के बाद वो शादी कर लेते हैं, मोहब्बत के बाद वो शादी करते हैं, क्या वो मोहब्बत होती है या नहीं? आपने कभी नोट किया कि उन शादियों में मसले कितने आते हैं? हर दूसरे दिन लड़ाई हो रही होती है, पहले आप लोग दूर होते हो, ठीक है, एक दूसरे की हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हो, वही लड़की जब उस लड़के के साथ आई थी तो एकदम से उसको उस लड़के से नफरत होने लग जाती है, क्यों? क्योंकि उसके बाद वो चीज़ें नहीं होती जो वो उसको दे सकता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो अगले वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं? एक्जैक्टली, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लड़की की, कि हमें दुनिया की हर साइज, मैं सोचूंगी ना चांद पे मुझे ज़मीन भी ले देते वो भी ले देगा, ऐसा नहीं होता। एंड द गर्ल्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हर लड़का अमीर नहीं होता, मोहब्बत दे रहा है, मोहब्बत से बढ़कर अगर इज्जत दे रहा है ना उसको ले लो। अच्छा, तो आप ये मुझे ये बताएं कि जो आप कह रही हैं कि शादियों में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, इस तरह की लड़ाइयाँ तो हर शादी में होती हैं, तो क्या शादियाँ ये वाली नाकाम होती हैं या कामयाब होती हैं? कुछ हद तक नाकाम होती हैं। देखो, बात जहाँ तक लड़ाई करने की है ना वहाँ तो ठीक है, जहाँ पे बात गाली गलौज हाथापाई भी होती जाती है ना वो गलत है, ठीक है, एक रिस्पेक्ट के मायने में रहते हुए लड़ाई करो जितनी मर्जी करो। मतलब बिल्कुल ही आपके बात बिल्कुल ठीक है। आप मुझे चलिए ये बताएं, क्या आपको कभी मोहब्बत हुई है? मुझे मोहब्बत हुई है। कैसे हुई है? बहुत बेपनाह हुई है। किससे और कब हुई? किससे और कब तो नहीं जा सकती, लेकिन मुझे हुई और बेपनाह हुई है, मैंने अपनी मोहब्बत अचीव किया। और आपको मिल गई, किस तरीके से मिली आपको? मुझे मेरी मोहब्बत मिली है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी मोहब्बत मिली है।